हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री रिंग को। आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल दीज वीडियोस। गैसेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी दो चार बातें की गैसेस के प्रॉपर्टीज के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस के प्रेशर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर लूँ कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस का प्रेशर जो है वो किस तरह हम मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो ऑपरेटर्स किस तरह काम करता है, इसके अलावा प्रेशर जो है वो किस वजह से पड़ता है, गैसेस का प्रेशर एक्चुअली होता क्या है और उसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे और इंटर कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स। तो आज के लेक्चर में यही बातें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर ऑफ गैसेस को मालूम करने के लिए एक डिवाइस या एक ऑपरेटर्स यूज होता है जिसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेटर्स विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस। और मैनोमीटर का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर बार इज फॉर प्रेशर और मीटर इज फॉर मेजरमेंट। सो बैरोमीटर जो है ये एक किस्म का ऑपरेटर्स होता है। इससे हम मालूम करते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मालूम करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पहले ये कंसिडर किया जाता था। एरिस्टोटल ने थ्योरी पेश की थी और उसका अपना एक फलसफा था कि ये एयर जो होती है, गैसेस जो होते हैं, इसका कोई जो है वो वेट नहीं होता और वैक्यूम जो है वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता। बाद में गैलीलियो और दूसरे साइंटिस्ट ने भी उसके साथ एग्री किया, लेकिन एक मसला आ गया कि जब भी वो पंप से पानी को निकालते थे तो पंप के ज़रिए सिर्फ 10.3 मीटर तक ही पानी को ऊपर वो निकाला जा सकता था। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए उस टाइम पे और एक साइंटिस्ट था जो गैलीलियो का शागिर्द भी था और उसका एक फ्रेंड भी था, उसका नाम था टॉर्सेली। टॉर्सेली ये एक साइंटिस्ट था और उसने एक ऑपरेटर्स बनाया और उस ऑपरेटर से उसने पैर मालूम किया कि किस तरह एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि एयर जो है वो कोई प्रेशर वो एग्जर्ट नहीं कर सकता, इसका कोई जो है वो वेट नहीं है। तो बैरोमीटर को वो कौन से साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था टॉर्सेली। और इस जो बैरोमीटर है इसको अभी वो जानते हैं टॉर्सिलियन बैरोमीटर से, जो पहला बैरोमीटर था टॉर्सिलियन बैरोमीटर। अब तो बैरोमीटर के बहुत सारे टाइप्स आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे डेली लाइफ में भी बहुत सारे वो टायर का वो प्रेशर चेक करते हैं, कोई जो है मुख्तलिफ किस्म के बैरोमीटर और इसके टाइप्स है, लेकिन हम वो पुराने वाला बैरोमीटर जो है जो टॉर्सिली ने वो डिवेलप किया था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं कि ये बैरोमीटर जो है ये किस तरह काम करता है और इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह मालूम कर सकते हैं। बैरोमीटर की असेंबली वो कुछ इस तरह होती है कि बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ, अच्छा चलो थोड़ा मैं इसको थोड़ा नीचे बना दूं ताकि ऊपर वो ट्यूब बना सकूं। बैरोमीटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए बॉल, ये एक बॉल किस्म का या ट्रैप कंसिडर करें जो भी है। इट इज़ फिल्ड विद मरकरी, विद मरकरी Hg। मरकरी तो जानते हैं वाहिद मेटल है, वाहिद मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। छोटी सी बात नोट कर ले, काम आ जाएगी। मरकरी जो है ये वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इसमें मरकरी होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब आमतौर पर 100 सेंटीमीटर ट्यूब होता है, इसी तरह सा वो कुछ असेंबली इसकी दिखती है। अब ये काम किस तरह करता है,
अब इससे पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस का प्रेशर कब होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स वो कॉन्स्टेंटली रैंडमली वो मूव कर रहे। अब अगर मूव कर रहे यहाँ पर हिट करेंगे तो कुछ फोर्स जो है वो पड़ेगा और कुछ एरिया पर पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट जब पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली इट इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अपॉन सम एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही है बात? यहाँ से फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट है SI, SI यूनिट जो है वो प्रेशर का गैसेस के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल PA। ये एक साइंटिस्ट था एक्चुअली, उसकी इसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन थी, आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पास्कल की क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो बैरोमीटर की असेंबली इस तरह होती है। बैरोमीटर वो काम किस तरह करता है, बैरोमीटर का काम क्या होता है? बैरोमीटर जो है, मैं आपको इस तरह इस मार्कर्स के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने ट्रप या ट्रे किस्म का या बाउल आप कह ले, जो भी कह ले, उसको आपने वो लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसमें उसको आपने रख दिया इस तरह। फिर ये ट्यूब है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इस ट्यूब को आप फिल करते हो मरकरी से। सो मरकरी से जब हम इसको फिल करते हैं, ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल, ये वाला ट्यूब है, ये ट्यूब है इस तरह। इस ट्यूब को इसका एक एंड जो है वो ओपन है और एक क्लोज है। इसको मैंने फिल कर दिया, चलो फिल विद HG, मरकरी से इसको फिल कर दिया। अब मरकरी से फिल करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इस एरिया को, ये जो एरिया होता है इस ट्यूब का, ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया इतना होता है, और लेंथ इसका क्या होता है, मैंने आपको बात बताई, इसका लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर। इतना लॉन्ग ट्यूब होता है, 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब होता है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद इस थंब के ज़रिए, इस थंब के ज़रिए इसको मैं, ये जो इसका ओपन एरिया है इसको मैंने वो बंद कर लिया इस तरह, और जब मैंने बंद कर लिया तो इसको इस तरह उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद इस मरकरी में इसको डबो दिया और रख दिया। आई बात समझ में? ट्यूब, इसको फिल कर दिया मरकरी से, मरकरी से फिल करने के बाद जो है थंब के ज़रिए इसको बंद कर लिया, और बंद करने के बाद क्या किया, इसको इस तरह उल्टा किया और इस मरकरी में इसको इस तरह वो रख दिया। समझ में आ गई बात? अब जब इस ट्यूब को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और ये ट्यूब जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है किस चीज़ से, ये भी मरकरी है, और ये ट्यूब भी ये फिल्ड है मरकरी से। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो मरकरी है इसका अपना कुछ वेट होगा, और दूसरी बात ये कि इस पर इनवर्ड कुछ फोर्स लग रहा है, इनवर्ड कुछ फोर्स लग रहा है, और वो है ग्रेविटी का। अब जब भी आप किसी ट्यूब को रख लो तो जैसे आप इसको इस तरह करते हो तो लिक्विड एक तरफ आ जाता है, दूसरी तरफ। अब उसका अपना भी वेट होता है, वेट के ज़रिए वो आता है, और वेट को हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटी के ज़रिए ये नीचे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि मरकरी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब अगर मरकरी नीचे आना शुरू हो जाएगी तो इस ट्रप में ये आएगा इस तरह, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये मरकरी का कॉलम वो नीचे आ रहा है, एक पॉइंट आता है कि इस पॉइंट के बाद ये मरकरी जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, मरकरी जो है ये यहाँ पर ये स्टॉप हो जाती है। और उस पॉइंट पर जब हम देखते हैं तो हाइट तो हमें पता है कि इसका हाइट जो है वो, लेट्स से मैं कहता हूँ ये 100 सेंटीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर पर मरकरी के कॉलम में, मरकरी के ट्यूब में जो मरकरी है वो मरकरी वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ से हम कहते हैं कि 76 सेंटीमीटर या 76 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर, सॉरी 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 760 मिलीमीटर,
जो मरकरी का है Hg, दिस इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। आपने सुना होगा कि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg या 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली ये ओपन कंटेनर में हमने रखा हुआ है, ये क्लोज नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर एयर तो होगा, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ गिर्द मौजूद हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पर लिक्विड मरकरी के साथ वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और हमने पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं और जब किसी चीज़ को हिट करते हैं तो उस पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर वो आ रहे हैं, एयर तो मौजूद है। अब ये कौन सी एयर है, ये एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये हम सी लेवल पर कर रहे हैं, सी लेवल पर हम ये समंदर के किनारे बैठ कर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या मतलब उस जगह पर कर रहे हैं जो सी के साथ उसका एल्टीट्यूड वो ऊपर नहीं है, सी लेवल पर है। तो यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर हिट होकर कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि प्रेशर अगर इसको एग्जर्ट करेंगे तो प्रेशर कौन सी एरिया पर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इस एरिया पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखें, ये जो एरिया है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक ये जो मरकरी है यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। अब डेफिनेटली यहाँ पर अगर प्रेशर पड़ रहा है तो ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया पर, ये जो एरिया है इस पर तो प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये मरकरी को नीचे वो कोशिश करेगा कि इस मरकरी को क्या करें, इसको नीचे लाए। जब आप किसी चीज़ पर प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इस डायरेक्शन से अगर फोर्स वो जा रही है तो इस डायरेक्शन में ये जाएगा, तो फोर्स ऑफ डायरेक्ट फोर्स की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर नीचे आएगा, इस एरिया पर वो फोर्स पड़ रहा है, तो ये अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कॉलम ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर ये कॉलम ऊपर चला जाएगा तो मरकरी जो है एक पॉइंट पर वो सपोर्ट होगी। अब हुआ क्या, एक्चुअली हमारे पास दो तरह के फोर्सेस यहाँ पर पड़ रहे हैं, एक जो है वो फोर्सेस जो डाउनवर्ड लग रहे हैं, डाउनवर्ड, और दूसरा जो फोर्स है वो अपवर्ड है। अब डाउनवर्ड फोर्स किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, और अपवर्ड फोर्स किस वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक्चुअली ये अपवर्ड जो प्रेशर है ये किस वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप देखिए क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल जो एग्जर्ट कर रहे हैं एक्चुअली वो इसको अपवर्ड ले जा रहे हैं। तो दो तरह के फोर्सेस हैं। तो शुरू में जब मरकरी का कॉलम वो फिल था तो ये नीचे आ रहा था, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स जो है इस पर, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड ला रही थी और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको इस पर पड़ रहा था, इसको ऊपर ले जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में जो ग्रेविटी का फोर्स था इस पर, इसका जो वेट था और इसने जो बैलेंस किया हुआ था यहाँ पर, तो ये नीचे इसलिए आ रहा था कि ये जो फोर्स है जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा थी, और अपवर्ड इस पर जो फोर्स लग रही थी जो उसको ऊपर ले जा रहा था वो कम था। तो ये कम होने की वजह से ये नीचे आ रहा था कॉलम, और एक पॉइंट पर ये आकर ये स्टॉप हो गया है। अब जिस पॉइंट पर ये स्टॉप हो गया है तो इस पॉइंट को, ये मरकरी का कॉलम ये इस तरह होता है, तो जब ये स्टेबल हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर, इस 76 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या हो गया, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस है, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स जो एटमॉस्फेरिक फोर्स है या प्रेशर है, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो प्रेशर अगर आप लिख ले तो ठीक होगा, वो दोनों वो बराबर हो चुके हैं। तो अब ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो यहाँ से प्रेशर पड़ रही है, जो इस कॉलम को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किस तरह किया गया है, तो ये जो 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है, चूँकि मरकरी, मरकरी को इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि मरकरी एक डेंसर लिक्विड है, और डेंसर लिक्विड में जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका जाना जो है वो मुश्किल है, वो इसमें नहीं जा सकते। तो जब हम इसको फिल करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया, दिस इज़ वैक्यूम, ये वैक्यूम है। क्यों क्यों वैक्यूम है? क्योंकि ऊपर से जब मरकरी वो नीचे आ रहा है, मरकरी जब नीचे आ रहा है तो इसके इस यहाँ पर अंदर तो कोई एयर मौजूद नहीं था, इसका जो ओपन था वो तो हमने अंदर रख दिया, तो एयर तो मौजूद नहीं था। तो जो प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मरकरी की वजह से पड़ रहा है, और यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा है प्योरली वो एयर की वजह से पड़ रहा है। तो हमारे पास वो करेक्शन भी इसमें नहीं होगी कि कोई एयर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। बाज़ औक़ात इम्प्योरिटीज़ वो आ जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में कि इसके लिए कैलकुलेशंस वो फिर किस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ तक आप ये समझे कि 76 सेंटीमीटर पर जब ये बैलेंस हो जाते हैं दोनों फोर्सेस, तो हम कहते हैं कि एयर का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितना है, 76 सेंटीमीटर आप मरकरी, यहाँ पर यहाँ से ये आया 76 या 760 मिलीमीटर आप मरकरी। अब यहाँ पर सी लेवल जो है इस पर ये प्रेशर है, अब सी लेवल पर जो प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर आप मरकरी, इसको कंसिडर किया गया है कि दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760। अच्छा, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग्स, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और 760 से दोबारा फिर आपको समझाऊंगा। अब देखिए 760 मिलीमीटर आप मरकरी, ये क्या चीज है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है के सी लेवल पर, कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम सी लेवल पर कर रहे थे, वहाँ पर एयर का प्रेशर ये है। दिस इज एक्चुअली हम इसको कंसिडर करते हैं कि एवरेज, एवरेज सी लेवल पर वो इतना ही आता है, 760 मिलीमीटर आप मरकरी आता है। मुख्तलिफ जगहों पर आपके पास मुख्तलिफ प्रेशर्स वो आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्यों आते हैं। 760 मिलीमीटर आप मरकरी जो है ये प्रेशर जो है वो सी लेवल पर आ गया। अब सी लेवल पर अगर ये प्रेशर है तो इससे यहाँ पर हम एक और यूनिट भी डिराइव करते हैं, क्या कि 760 मिलीमीटर जो मरकरी का है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है कि दिस इज इक्वल टू 1 atm, कि ये जो सी लेवल पर प्रेशर पड़ता है इसको हम बोलते हैं कि ये बराबर है 1 atm, और atm को डिफाइन भी किया गया है। atm को किस तरह डिफाइन किया गया है, एटीएम को इस तरह डिफाइन किया गया है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी एट इन एरिया ऑफ 1 cm² एट 273.15 केल्विन, मतलब 0°C इज कॉल्ड एटीएम। एटीएम की डिफिनेशन हमारे पास आ गई, क्या अब हमने बोला कि 760 जो मिलीमीटर है यहाँ पर, या 76 सेंटीमीटर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर हम लेते हैं कि इसको हम बोलते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मरकरी का कॉलम यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। शुरू में अगर आपको याद हो मैंने आपको बात बताई थी, दिस इज 1 cm² इसका एरिया है। सो एटीएम क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी,
एट एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया पर जितना प्रेशर पड़ता है, कौन से कंडीशन पर? स्टैंडर्ड कंडीशन इसके लिए है 0°C, 0°C पर। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू 1 atm। तो सी लेवल पर, सतह समंदर पर एवरेज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 atm के बराबर। atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट है और डिफाइन हम इसको इस तरह करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक और खूबसूरत सी बात, और वो बात जो है वो बहुत है पते की बात। पते की बात क्या है? पते की बात ये है कि ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान भी हैं। घबराने की कोई बात नहीं। हमने डिस्कस किया SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल या PA। तो SI यूनिट आपको आना चाहिए कि दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज, तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर पर मीटर स्क्वायर। पास्कल ये एक साइंटिस्ट थे और इसका काम क्या था? उसका काम ये था, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? कंट्रीब्यूशन ये थी कि जब टॉर्सिली ने टॉर्सिलियन बैरोमीटर वो बना दिया, तो उसने इस बैरोमीटर को लेकर वो पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर उसने प्रेशर को मालूम किया। अब अगर ये बैरोमीटर एक पड़ा हुआ है इस तरह, वो सी लेवल पर, और दूसरा बैरोमीटर वो इस तरह वो पड़ा हुआ है कहाँ? माउंटेन पर पड़ा हुआ है। तो अब माउंटेन पर आपको पता है कि जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होते हैं, तो सी लेवल पर जो ज़्यादा डेंसर गैसेस होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो सी लेवल पर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और जो माउंटेन है वहाँ पर हाइयर एल्टीट्यूड पर क्या होगा? प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि डेंसर गैसेस जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जितना हम नीचे आते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो माउंटेन पर जाकर एक पहाड़ी पर, उसका एक जो पास्कल था, एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि इसका एक भाई था जो एक पहाड़ी पर रह रहा था साथ में, तो उसने अपने भाई से ये एक्सपेरिमेंट वो करवाया था। तो वहाँ पर जाकर उसने ऑब्जर्व किया कि मरकरी का कॉलम जो है जो सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर पर आ रहा है वो यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो माउंटेन पर जो प्रेशर आ रहा था वो कम आ रहा था, मतलब वो 70 सेंटीमीटर या राउंड अबाउट इतना आ रहा था। तो इस वजह से जो पास्कल थी उसकी ये कंट्रीब्यूशन थी कि उसने ये प्रूव की थी ये बात कि मुख्तलिफ एरियाज पर मुख्तलिफ प्रेशर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सी लेवल पर प्रेशर 1 atm है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 atm। एल्टीट्यूड के साथ वो चेंज भी होता है। तो यूनिट्स पर आते हैं, ये तो एक छोटी सी बात थी कि आपकी इन्फॉर्मेशन में हो। फॉर एग्जांपल आप सी लेवल पर कंसिडर करते हो 1 atm, तो मरी हिल्स पर प्रेशर चूंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है 0.921 atm, और जब माउंट एवरेस्ट पर आप जाते हो तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम होता है, वो होता है 0.425 समथिंग atm, राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली इतना वो आता है। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हो उतनी वो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है, उतना प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए मुख्तलिफ एरियाज पर आपके पास मुख्तलिफ प्रेशर आता है। जो 1 atm है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको हमने सी लेवल पर लिया है और टेम्परेचर जो है 0°C लिया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है प्रेशर के साथ। पिछली वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतने मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जितनी जो है काइनेटिक एनर्जी वो मालिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर के साथ, उतना वो ज़्यादा स्पीड के साथ हीट करेंगे और आपके पास वैल्यूज़ वो डिफरेंट आएगी। तो दिस 1 atm इज़ कंसिडर एट 0°C। यूनिट्स पर आते हैं, और कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो तो ये हैं। अच्छा, आप अपने साथ नोट कर ले कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या दिस इज इक्वल टू 760
टॉर, या दिस इज इक्वल टू 13, 10, 13, 25 पास्कल, या दिस इज इक्वल टू 1.01325 एंड दिस इज इक्वल टू 14.7 PSI. PSI is pound per square inch. Yeah, this is equal to 13, 10, 13, 25 into 10 power 3 KPA. KPA mean kilo pascal. ये important unit से, या फिर इस तरह आप लिख सकते हैं 1.01325 into 10 power 5 पास्कल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स है जो कन्वर्जन में आपको वो आसानी देंगे. ये वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगी कि 180 एम बराबर होता है 760 mm, आप जी के बराबर होता है 760 सेंटीमीटर. ये सब चीज़ें वो एक दूसरे के बराबर होती है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, यूनिट जब आप प्रेशर की कैलकुलेशन करते हो तो यूनिट आपने ज़्यादातर इस चैप्टर में हम ATM को यूज़ करेंगे. हम देखेंगे mm, आप HG को, ये टार को, और ये जो पास्कल है या किलो पास्कल, पाउंड पर स्क्वायर इंच और बार, और ये जो यूनिट से, ये दूसरे यूनिट से ज़्यादातर कैलकुलेशन में ये नहीं आती. जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ATM है. SI यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और जो 760 mm आप HG या 760 टार, ये चीज़ें हमें ज़्यादा वो मिलेगी तो आपको कन्वर्जन में आसानी होगी. किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि आपको कोई देता है कि 520 1520 mm आप HG, ये कितने ATM के बराबर है. तो अभी आपके पास ये है कि 1 ATM इक्वल टू 760 mm आप HG. सो अगर हमारे पास 1520 mm HG हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो 1520 डिवाइडेड बाई 760, सो इट कम्स आउट टू बी 2 ATM. इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको कोई पास्कल ले दे कि इतना पास्कल है, इसको ATM में कन्वर्ट कर दे, इतना किलो पास्कल है, इतना PSI है, तो आगे कैलकुलेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे काम आने वाली है. तो इन इंटर कन्वर्जेंस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, इन चीज़ों को नोट कर ले, याद कर ले, बहुत ही काम आने वाली है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक लॉज हैं गैसेस के, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रोज ला, और फिर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियलिटी को डिस्कस करेंगे, रियल गैसेस, आइडियल गैसेस, वंडरवाल्स इक्वेशन. तो बहुत सारी वीडियोस वो हम बनाएंगे इन चीज़ों पर और आपके साथ शेयर करेंगे. आपकी जो भी सजेशंस हो इन वीडियोस के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए. थैंक यू वेरी मच.